भारत में लीची के सबसे बड़े उत्पाद क्षेत्र महसी के किसानों और लीची व्यवसायियों को लगातार 3 वर्षों से दोहरी मार झेल रहे हैं। वो गिर जा रहा है, मर जा रहा है और फिर उसको बाद में देखिएगा तो 1 हफ्ता 15 दिन के बाद में फिर उस पर चढ़ जा रहा है। दावा के जब तक ले अंश रह रहा है तब तक ले उस पर नहीं जा रहा है, उसको बाद में फिर उस पर चढ़ के फिर अथी हो रहा है, फिर दावा का छिड़कारी हो रहा है और इसी परेशानी के वजह से किसान बहुत परेशान हो गया हुआ। लीची की खेती करने वाले किसान स्टीन बग नामक कीड़ा लीची के दाने को भारी क्षति पहुंचा रही है। चकिया अनुमंडल क्षेत्र के महसी प्रखंड क्षेत्र में लगभग 15,000 हेक्टेयर में लगे लीची के पौधे को क्षति पहुंचा रही स्टीन बग नामक कीड़ा, इसको लेकर किसान काफी चिंतित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार 3 वर्षों से इस कीड़े की मार झेल रहे हैं किसान, जबकि स्थानीय विधायक श्याम बाबू प्रसाद यादव के पहल पर पूर्व कृषि मंत्री राधामोहन सिंह के नेतृत्व में पूषा विज्ञान केंद्र से आए वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए दवा के कीमत में काफी वृद्धि के बावजूद किसानों ने 3-4 बार छिड़काव किया फिर भी स्टीन बग नामक इस कीड़े से पीछा नहीं छूट रहा है। इस तरह किसानों और व्यवसायियों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। किसानों का कहना है कि कृषि विभाग और बिहार सरकार इस समस्या को गंभीरता से ले और लीची को भी सरकार को फसल बीमा में शामिल करना चाहिए, जिससे लीची के किसानों व व्यवसायियों को लीची क्षति की क्षतिपूर्ति मिल सके। लीची के किसानों को हो रहे नुकसान को लेकर पिपरा विधायक श्याम बाबू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व बिहार के कृषि मंत्री से लीची की बीमा करने की मांग की है। आम फसल का, सभी फसल का बीमा होता है, उसी तरह लीची फसल का भी बीमा किया जाए, लेकिन आज जो लीची का फसल है उसमें बीमारी आई है। हमने पत्र लिखकर आदरणीय माननीय कृषि मंत्री प्रेम कुमार जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किए हैं कि वैज्ञानिकों का टीम गठित कर इसके रोकथाम के लिए जो है दवा छिड़काव कराया जाए, ताकि जो लीची फसल है वह बर्बाद नहीं हो सके। और हमने ये भी पत्र लिखकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हमने अनुरोध किया है कि जिस तरह और सब फसल का बीमा किया जाता है, उसी तरह लीची फसल का भी बीमा किया जाए, ताकि किसानों का जो लीची फसल बर्बाद हो रहा है उसका मुआवजा मिल सके।